लंदन सियासत का मरकज़ शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से एवन फील्ड हाउस में मुलाकात हुई। सलमान शहबाज, हसन नवाज भी मौजूद थे। दोनों भाइयों में मुलाकात 2 घंटे जारी रही। शहबाज शरीफ ने कायद नून लीग को पाकिस्तान की ताज़ा तरीन हालात से आगाह किया। मियाँ बरदरान ने सदर ममलिकत के हालिया बयान पर तफसीली मुशावरत की। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियों पर आगाह किया। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ सितंबर के आखिरी हफ्ते में लंदन से पाकिस्तान खसूसी तैयारी से रवाना हो सकते हैं। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। 76वें आजादी का दिन जोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान, ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।